سلامونه ملګرو تاسو ما اخبار ملوستو سلاودین کاکا چې خوښه دوکم سل کال عمر لري سکندر خان فلم کې ټاندارو شریف بدمارش فلم کې د دوی د دو وایناتر مخه ډاکو دا سي بلحافظ فلمونو کې کار کړي دي کاکا حضرت وي ماوت وی, ماو وی کاکا جوړون څنګه راواندي ویشره را جوړون مثال مې رده اخبار دي چې نن راکي خلک وګوري نو تر سبب ورزو زور شوی ما زم ما ارزښت او اهمیت ختم شوی به مت د پوسوګو چې کاکاجي یاران دوستان ملګری و چې فلمونه به مې کول یا د جون په نور چابکو او چوبندو هلو زلو کې ما یاران او دوستان او ملګری ما خامې او بندارونو خونن دوکم سل کال عمر کې یو ځما امسا زم ما ټوپې زم ما ملګری دي نور راسه هیڅ نشته सलाउद्दीन काका का, का बुनियादी तो खारे दे हन को स्पीकिंग दे खुद तराजी और द और डेर दुल दास्तान दे सलाउद्दीन काका जो बात हम करेंगे ज़रा आपने ऊंची आवाज़ में बात करना है ताकि लोग समझ आ जाए अच्छा ये मुख्तसर अलफ में बताइएगा जिंदगी क्या है जिंदगी हकीकत कुछ भी नहीं अगर अच्छे काम करो नए काम करो खुदा की मखलू की मदद करो सखावत करो इससे अच्छी जिंदगी है ही कोई अच्छा अभी तक जो उम्र बीती है, है और आपकी जो आप बीती है आप इससे खुश है अब खुश नहीं हूँ पहले खुश था अच्छा अब बीमार नहीं मुफ्त हूँ परेशान रहते हो अच्छा हर वक्त परेशानी आपके आ, जेन पर बोझ रहते हैं आखिरी जो दोस्त है वो परेशानी है अच्छा ये बताइएगा सलाउद्दीन का, का, के आपने जो हम गुफ्तु कर रहे थे आपके दोस्त अहबाब आपके यार आपके कितने भी हम पश्चो में जिसको मलगिरी कहते तो है आज कल आपके जो वो, वो यार है वो अहबाब है वो जो एक हुआ करता था तो आजकल कोई पूछने वाला है कोई महफल सारा सारा दिन सारी से महफलों में बैठे रहते थे हर आदमी को साधा था सारे होती थी, थी कहानी होती थी, थी क्या कुछ नहीं होता अब वो सब कुछ बर्बाद हो गया ही खत्म हो गई है अच्छा उजड़ ही है गई महफल उजड़ गई है अब कोई भी नहीं शिव और के नबी के पास अच्छा ये दोस्ती जवानी में अक्सर लोग मतलब ज्यादातर इंसानियत पे फोकस नहीं करते अच्छे अमाल पे फोकस नहीं करते बस ये मजालस में ये महफलों में वो गुम जाते हैं तो जवानी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए सिस्टम के लिए लोगों के लिए इंसानियत के लिए इसी बुनियाद पे आप क्या पैगाम देंगे फरमा रहे हैं यही मेरा असूल है कि जो आप कह रहे हैं यही मेरा मेरा भी मकसद यही है कि जवानी में, में कुछ करना चाहिए अच्छा ये मैं मैं आखिरी सवाल पूछने लगा हूँ आ, अब चूंकि आप इस उम्र के इस दहलीज पे पहुँच गए हैं अब आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या रहा है मकसद मुझे अंधेरा नज़र आता है फोर्ट अच्छा फोर्ट मैं अब जिंदा लाश हूँ अच्छा घूम रूँ आ रहा जाऊँ कुछ आराम करें चाय रोटी का पूछे कर दें और ये हकीकत है ज़िंदगी का यहीकत आप मायूसी तो नहीं पिला रहे हैं ना नहीं मायूस में अपने लिए मायूसी तो गुनाह है वैसे ही कुफर है नीद होना अल्लाह को कुल मायूस मत होना मत होना मेरे पास बड़ा कुछ है बहुत बड़ा अल्लाह के दर में अंधेर है न अंधेर है न देर है एक नजर एक करम हो जाए तो बेड़ा पाड़ा है किस चीज़ का पछतावा है सलाउद्दीन का कहा अगर जवानी में वो काम किया होता तो आज शायद आप इस हालत में ना होते तो किसी चीज़ का पछतावा है आपको पछतावा से नहीं कि सोच ही नहीं कि घर हो शादी गाड़ियों, बंगला अच्छा बेनियाज है आप बेनियाज अल्लाह पर भरोसा बोरो है किसी पर कमा नहीं लगता भरोसा ना अपना खानदान सब मालदार है अच्छा कुर्बानी को मुझे नहीं कहते आज पर आप अपने नहीं खानदान, नहीं। खानदान के अकलौते गरीब है अकलौते अच्छा और सबसे लेकिन आप सबसे गनी मुझे लग रहे हैं एक हुए के साथ आप बड़े खुश लग रहे हैं जी सुबह आते ही आप बड़े प्यार से सलाम भी करते हैं और फिर हमें भी मोटिवेट कर देते हैं कि जिंदगी खूबसूरत है हाँ। अच्छा कुछ शेर व शायरी याद है कुछ हिंदों में उर्दू में पश्तों में मुकद्दर में आहा। फिर में जो सख्ती थी वो मरकर भी नहीं निकली मुकद्दर में जो सख्ती थी जो सख्ती थी वो मरकर भी नहीं निकली जो लाद मेरी खोजी गई जमीन भी पतरी क्या बात इन्हें सोचा कि चलो मरने के बाद मुझे कब्र में आराम मिलेगा सोचता था ना जब उसकी कब्र खोदी उसको दफन किया तो कब्र भी सारी नीचे उसको बड़े बड़े भी पत्थर थे अच्छा तो और कुछ कहना चाहोगे लोगों को लोगों को बस यही कह हूँ कि के, के खौर से दरो। जुल्म मत करो लेकिन करो थोड़ा सा जिंदगी का टाइम है कुछ पता नहीं किसी टाइम दुनिया एंड हो जाए और दुनिया भी एंड पर पहुँच गई है ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ना ये क्या की निशानी है अच्छा ये नहीं मत करो ये आपका वन लाइन है अल्लाह आपको खुश रखे का आप अभी भी जवान है आप अभी भी एनर्जेटिक है अल्लाह आपको खुश रखे नाजरीन ये एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई कि म मत करो जुलम चाहे घर में हो बाहर हो दफ्तर में हो इंसानों के साथ हो जानवरों के साथ हो या मखलूक़ात के साथ हो ये दुनिया चाहे आप पर्सनली जो भी आप करें शायद अल्लाह आपको मुआफ़ करे लेकिन मजमू तौर पर म करना बेानसाफ़ी करना इससे आप कभी भी मुआफ़ आपको नहीं किया जाएगा لنډه خبره د ادم ملګرو د سلاودین کاکا اسې موږ سار کې ناس او کاوه مشکل ما چې د جون قصه تر تاسو درور سو ما ریوياتي ویډیو نه دا چې د غریب د پیسې غوړ یو سديو د پخپل ذات کړي لوی غني دي د ډېر خوشاله دي راشي سار کې سلامو کی کاوه اس کی خدمتونه جون کوي او جون کې با خلاخروي او پخپل ځواني کې په انرژي کې داسې کارونه کوي چې د عمر په اخيري حصه کې دا څو په وړل باندې په ډاډ باندې په فخر باندې وای چې ما 200 هسپټالونه جوړ کړی دي ما 2000 سکولونه جوړ کړی دي ما اتنیم لک بچو ته علم فکر کلاج جن نوکری ور کړی دا دغه د جن مقصدو ګرځوي زمونږ د ژوند غلبه هم دغه سراوانوي په وطن کې د امن د پار کار کوي خاط آباد او بریالی اوسې